तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है भाई को शानदार सी वीडियो में। और आज मैंने इस वीडियो में कुछ शानदार सी चीज करी है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला। काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, काफी कम कम वीडियो डाल रहा था मैं, बिकॉज मैं एक मेन प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और जिस प्रोजेक्ट से मेरे को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि मैंने माइनक्राफ्ट अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में माइन करे हैं। कितने ओर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने माइन करे थे पिछले वाली वीडियो में, आई थिंक 500 डायमंड्स माइन कर रखे हैं मैंने, 500 गोल्ड्स के ओर बता रहा हूँ मैं, ओर माइन कर रखे हैं, और 1000 रेड स्टोन के ओर माइन कर रखे। लेकिन इस बार मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए और मैंने माइन करे हैं टोटल 20,000 ओर्स। ये टोटल ओर्स देख सकते हो, 20,000 अलग अलग टाइप के ओर्स इसमें, नेदर के ओर्स भी इंक्लूडेड है। और ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 20K, तो एग्जैक्ट 20K ओर्स है। आई थिंक उससे थोड़े ज्यादा ही हो सकते हैं, थोड़े कम बिल्कुल नहीं है। ये 20x20 का एरिया है, उसमें 51 की लेयर्स हैं इस पे टोटल। तो आप अपना लगा सकते हो कैलकुलेशन कितने वोट्स होंगे, 20K+ वोट्स हैं। और भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि मैं अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता हूँ क्रिएटिव में, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे को अभी अभी एक एडवांसमेंट मिली है। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, देखो अगर मैं क्रिएटिव में जाने की कोशिश करता हूँ, देखो जैसे कि मैंने डाला गेम मोड क्रिएटिव, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जो मेरा वर्ल्ड है इसमें चीट्स अलाउड नहीं है, और इस वजह से मैं इसमें कभी भी क्रिएटिव में नहीं जा सकता। तो अपना मस्त यहाँ पे बीकन लगा हुआ है, क्योंकि बीकन मैंने इसलिए लगा क्योंकि भाई 20,000 टोर्स है यार, तो इनको माइन करने के लिए थोड़ी मेरे को तेजी चाहिए होगी, तो मैंने हेस्ट डाल दिया उसमें। अब मैं क्या करने वाला, अपनी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स इनको माइन करने वाला हूँ, और देखने वाले को मेरे को कितनी चीजें मिलने वाली है। नीचे मैंने मस्त करके एकदम चेस्ट लगा दी, वहां पे देख सकते हो मस्त से चेस्ट लगी। तो फटाफट इनको माइन करना चालू करते हैं। कुछ मैंने एमरल्ड भी निकालने हैं, डायमंड भी, और भाई ज्यादातर तो मैंने कोल आयरन ये सब निकालने की कोशिश करी, बिकॉज भाई 20,000 ब्लॉक जो जान लो ना यार, थोड़े रेयर ब्लॉक निकालूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए। तो फटाफट से 2 मिनट दो मेरे को, इसको फर्स्ट लेयर माइन करता हूँ मैं इसकी जल्दी से। पहली वाली लेयर माइन करने में तो बड़ा मजा आने वाला है, और मैं 20K को लिखा रहने दूंगा ये यहीं पे, इसको बाद में कभी मिटाएंगे या फिर इसको हटा दूं, नहीं इसको लगा रहने देता हूँ ऊपर ही एकदम नीचे से देखेंगे ऊपर 20K लिखा है, काफी ज्यादा मस्त लगेगा। और हाँ भाई, इस वाली वीडियो पे आप लोगों को पक्का से पक्का लाइक करना है, काफी ज्यादा बंदों के पास शेयर करो, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, वीडियो को फुल फैला दो यार। तो फटाफट इसको माइन करना चालू करते हैं, और मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा वीडियो को, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे को कितनी चीजें मिली हैं टोटल, ठीक है, टोटल में मेरे को कितनी चीजें मिली हैं। तो फटाफट इसको माइन करना चालू करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and we have first layer mein emerald the maine sare nikal liye, एमरल्ड सिर्फ फर्स्ट लेयर में, तो क्योंकि मैंने एमरल्ड ज्यादा माइन नहीं करे, क्योंकि यार एमरल्ड माइन में काफी ज्यादा हार्ड है, बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगती है एमरल्ड माइन करने में। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट जाता हूँ शल्कर बॉक्स लेके आता हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री भरने वाली है थोड़ी बहुत, तो शल्कर बॉक्स में रखूंगा और फिर मैं उनको चेस्ट में ट्रांसफर करूंगा। तो बस 2 मिनट तो मेरे को, और अब मैं एक काम करने वाला हूँ इसको नीचे तक, आपको इसकी कम से कम 10 या फिर 5 लेयर माइन करके मिलता हूँ इस जगह की, ठीक है। तो बस यूं गया और यूं आया 2 सेकंड। तो गाइस काफी देर से माइनिंग करने के बाद मैंने काफी सारे ब्लॉक हटा दिए, मैंने टोटल में 11 लेयर्स इसके हटा दिए, मैंने 5 की बोली थी पर यार मैं काफी ज्यादा हटा था, क्योंकि मेरे को लगा कि यार काफी ज्यादा लेयर बच रही है अभी, तो मैंने काफी सारी हटा दी। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी अपना यहाँ पे लैपिस लग रहा था डायमंड के बाद, वो लैपिस हट गया, बस थोड़ा सा भी बचा है अपना रेड स्टोन बचा है, और उसके बाद अपना गोल्ड बचा है। 1 मिनट रुको, देखो अभी ये टोटल इतना एरिया बच रहा है अपना, और जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना वो वाला, ये वाला काफी ईजी होगा साफ करने का, रेड स्टोन से लेके ये क्वार्ट्स तक काफी इजी है, पूरा पूरा निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद जब से कॉपर स्टार्ट होगा ना, तब से काफी ज्यादा माइनिंग में दिक्कत आएगी, और मैं इतनी देर से इसमें हेस्ट 1 के साथ कर रहा था माइनिंग, दिमाग तो पूरा मेरे में, मेरे को नहीं पता था हेस्ट 2 कैसे लगाते हैं, मेरे को सिर्फ हेस्ट 1 का पता है। मेरे को एक बार क्लिक करा हेस्ट 1 लग गई, मैं उससे माइन कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार कुछ दिक्कत है, फिर मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं इतनी स्पीड आती होगी आई थिंक, पर मैं हेस्ट 1 पे काम कर रहा था तो मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी। लेकिन अपने पास हेस्ट 2 है तो काफी थोड़ा इजी हो रहा है, और इजी हो जाएगा। लेकिन भाई सच्ची बता रहा हूँ, माइनिंग करने काफी ज्यादा दिक्कत आती है भाई, बहुत सारे ब्लॉक है यार, क्योंकि एक जो इसकी लेयर है ना वो उसमें 400 और आते हैं एक लेयर में, और ये देख सकते हो मेरे को टोटल माइनिंग करके इतनी सारे लैपिस और रेडस्टोन मिले हैं।
और बाकी थोड़े बहुत शलकर में भी रखे हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। बाकी सारे शलकर तो खा नहीं, पर इस वाले शलकर में मैंने रख रखे हैं, शलकर में रख रहा हूँ मैं, बिकॉज नीचे चेस्ट में बाद में रखूंगा, बार बार नीचे जाने में दिक्कत आती है कि साइड चेस्ट अपनी। ये देखो यहाँ पे चेस्ट है और वहां पे देखो अपना विलेजर, मस्त जगह पे बैठा रखा है मैंने उसको, उसको काली पानी सजा दिया मैंने, तो एकदम मस्त जगह है ये अपनी। और मेरी एक्स भी देख सकते हैं, 80 की एक्स भी हो गई है, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में थी 27 के आसपास की एक्स भी थी आई थिंक मेरी, और अब मेरी 80 की एक्स भी हो चुकी है। तो भाई देखते हैं इसको लास्ट तक माइन करते वक्त हमारी एक्स भी 100 के पार होती है या नहीं होती। मतलब 100 के, 90 के बाद है ना बहुत धीरे बढ़ती, मतलब 80 के बाद ही बहुत धीरे बढ़ती है भाई एक्स भी, तो अभी देखते हैं 100 के पार जाती नहीं जाती। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से करता हूँ सारी चीजें माइंड, और लास्ट में बताता हूँ आप लोगों को कि हमें कितनी सारे रिसोर्स मिले टोटल 20,000 ओर्स माइंड करके। ठीक है, 2 मिनट में मिलता हूँ, फटाफट से इन सारी 10 की 10 लेयर को माइंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी बच रही है हमारी टोटल 39 लेयर्स बच रही है। ठीक है, 2 मिनट में। I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. फिर से माइन कर दिए यहाँ की, और वह देख सकते हैं अपना कोपर आ चुका है, मैंने सारी सारी लेयर्स माइन कर दी। काफी ज्यादा इजी रहा था उनको माइन करना, मतलब इतना भी इजी नहीं था, पर हाँ इजी था थोड़ा माइन करना। अब थोड़ा हार्ड पार्ट आने वाला है, और मेरे नीचे आप एक्स भी देख सकते हो, 98 हो गए मेरे, पिछले बार में 80 थी, और मैंने जितने माइन करे ना सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एचपी वो मिलती है, एक्सपी मिलती है। जब भी मेरी सिर्फ 98 भी 100 कम्प्लीट नहीं हो पाई, और अब मेरे को सिर्फ कॉल में एक्सपी मिलेगी, तो देखते हैं हमारी कॉल में कितनी मिलती है। तो अभी कॉपर निकालते हैं फटाफट से और आयरन निकालते हैं जल्दी से, फिर हम चलेंगे फटाफट से कोल की तरफ। कॉपर तो फालतू चीज है, इसको मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से निकालूंगा, फिर आयरन की बारी आएगी, फिर अपने कोल की बारी आएगी। फटाफट से मेरे को सिर्फ 2 मिनट में यू गया यू आया। ठीक है, फटाफट से माइनिंग करना चालू करते। 2000 years later. Guys, guys, काफी देर से माइनिंग कर रहा था मैं, और देख सकते हो काफी कम अब अपना बचा, सिर्फ कोल कोल बचा। मैंने आयरन भी निकाल दिया, आयरन जल्दी जल्दी निकालते गया, मैंने सोचा छोड़ यार अभी बार आयरन भी निकाल लेते, एक लेयर बची बस आयरन की, फिर आयरन भी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत और कोल के बीच में, क्योंकि मैंने ऐसे कोल को ऊपर कर रखा है तो उसमें होगा। अभी फिर सिर्फ कोल बचा, और मेरे पिकैक्स की हालत देख सकते हो भाई, कसम ये टूटने वाली है। वो तो बढ़िया है, कोल आए हो गया, मेरे को एक्सपी मिलेगी तो ये भी थोड़ी रिचार्ज हो जाएगी, और अपनी थोड़ी एक्सपी भी बढ़ जाएगी। आई थिंक 100 तो पहुंच जाएगी यार, कोल में इस दम 100 हो जाएगी, मेरी एक्सपी काफी ज्यादा मजा आएंगी। तो फटाफट से इनको क्लियर आउट करते हैं, और यहाँ पे पीछे देखो मैंने सारी सारी चैट्स में सामान तो डाल दिया, पूरा पूरा कोल रो बचरा कोल को डालेंगे, और जो मेरे को रो चीजें मिली है ये मैं इसी कोल से जाके वो करूंगा, स्मेल्ट करूंगा, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। 2 मिनट दो मेरे को, फटाफट इसको माइन करता हूँ और 2 मिनट मिलता हूँ आपसे, बस 2 मिनट। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. तो इस काफी देर के माइनिंग के बाद मैंने सारे के सारे अपने ओर्स माइन कर दिए, टोटल 20,000 हमारे ओर्स थे, उनको माइन करने में भाई काफी ज्यादा टाइम लग गया, ये मान के चलो लगभग 7 से 8 घंटे भाई उनको सिर्फ माइन करने में लग गए। तो सोचो जब मैं उनको ढूंढ के लाया था अलग अलग माइंस में जा जाके एक एक और को इकट्ठा करा था, तब भाई मेरे को कितना टाइम लगा होगा यार। तो भाई बहुत मजे आ रहे हैं एकदम और उसको सारे माइंड करके, भाई जो मेहनत करी ना एकदम उसके दिख रहे हैं भाई। चेस्ट है देखो भाई, इसमें ब्लॉक के ब्लॉक भरे पड़े हैं भाई चेस्टों में, देखो अभी आप लोगों को दिखाना चालू करता हूँ मैं। हमारी पहली चेस्ट में होने वाला है हमारा मस्त सा एमरल्ड, जो कि थोड़ा सा मिला लेकिन यार वो और से निकला यार एमरल्ड। उस एमरल्ड को मैं संभाल के रखूंगा एकदम, बिल्कुल शीशे के पीछे पैक करके रखूंगा मैं उस एमरल्ड को। देख सकते ये मिला हमको वो एमरल्ड जो हमने और से निकाला, ठीक है सिंपल एमरल्ड नहीं है, इस एमरल्ड को मैं और से निकाला, ठीक है तो इसकी इज्जत करनी पड़ेगी अपने को, समझ रहे हो। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसमें चेस्ट में सजा के रखूंगा एकदम मस्त तरीके से, तो देखते हैं चलो इसे क्या करते हैं। और अगली हमारी चेस्ट इसमें होने वाला है हमारा डायमंड, भाई देखो भाई डायमंड देखो यार तुम, ये देखो भाई 64K ब्लॉक, ये पूरी चेस्ट में बिछा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ ये देखो भाई, ये देखो भाई तुम ब्लॉक देखो भाई, पूरी चेस्ट भर रखी है भाई ब्लॉकों से यार, तुम ब्लॉक तो देखो एक बार, क्या ही मस्त लग रही है यार चेस्ट, ऐसी चेस्ट होनी चाहिए यार बंदों की। और अगली दिखाता हूँ मैं आप लोगों को लैपिस,
लैपिस तो भाई सच में ही भरा पड़ा है पूरी चेस्ट में, डबल चेस्ट तक लिया लैपिस ने, क्योंकि लैपिस एक और तोड़ने पे कम से कम 17 लैपिस मिलता है भाई। मेरे को पहली बार देखा है मैंने फोर्चून की थी पिकैक्स से 17 17 24 24 एक एक ओर से लैपिस मिलता है भाई, बहुत तगड़ा है। इसको भी लोग पूरे में भर देते हैं, ये देखो भाई कमी नहीं रहनी चाहिए चेस्ट में, समझ रहे हो कितना मस्त लग रहा है भाई चेस्ट। अब अगले में है हमारा आई थिंक रेड स्टोन, और रेड स्टोन भाई काफी ज्यादा सही मिल गया भाई। रेड स्टोन की मेरे पास कमी नहीं, क्योंकि मैंने एक पुराने वाली वीडियो करी जिसमें मैंने 1000 रेड स्टोन को माइन करा था, उसमें भी मेरे को कुछ इतना इतना ही रेड स्टोन मिला था, नहीं इससे कम मिला था। इस वाले में मैंने रेड स्टोन ज्यादा माइन करा उसमें थोड़ा कम मिला था, लेकिन फिर भी भाई मेरे पास रेड स्टोन भर भर के है, तो मेरे को इतने रेड स्टोन की कोई जरूरत नहीं। पर ये ना मेरे को जहाँ पे पहले टॉर्च लगानी होती थी रेड स्टोन पे, मैं वहाँ पे पूरा ब्लॉक का ब्लॉक लगा सकता हूँ। और भाई रात हो गई, देख काम करता हूँ, थोड़ी सी निन्नी कर लेते हैं यार, क्योंकि क्रीपर अगर आ गया ना तो भाई वो फटेगा, अपना सामान जाएगा भाई, पूरी मेहनत एकदम खराब भाई। मैं तुरंत बेड लगा के सोता हूँ, इसलिए ये देख सकते हो। अगली चेस्ट में हमारा कॉपर। अब भाई कॉपर देखो यार एक बार, इतना गंदा सा लग रहा है, इसको अपने को पहले स्मेल्ट करना पड़ेगा। जब ये एकदम कॉपर थोड़ा लुक में अच्छा आएगा, और इसके हम ब्लॉक्स को तो भाई मैं यूज करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन के, सिंपल सी बात है भाई, यूजलेस मटेरियल है भाई ये और किसी काम का नहीं है एक तो मैं इसको तो मस्त यूज करूंगा। रेड स्टोन के बाद इसको यूज करेंगे अपन मस्त, इससे घर वर बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएंगे, और इससे एक दो चीजें बनती है उनका मतलब है नहीं, देखो ठीक है। अगली हमारी जो चेस्ट है उसमें होने वाला है हमारा गोल्ड, और भाई गोल्ड देखो यार एक बार गोल्ड को देखो, अच्छे से देखो गोल्ड को, एकदम लग नहीं रहा यार गोल्ड एकदम है भाई, बातचीत है हमारी गोल्ड की भी डायमंड्स की तरह, डायमंड्स थोड़ा कम है लेकिन फिर भी यार गोल्ड अपना तगड़ा है। और मेरे पास गोल्ड के और काफी ज्यादा घर में भी रखे हैं, क्योंकि मैंने गोल्ड के और कम लगाए थे, मेरे को पता था इनमें टाइम लगेगा इनको माइन करने में, मैंने रेड स्टोन के ज्यादा लगा दिए थे, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं गोल्ड के और से कुछ करने वाला था, सच्ची बताऊँ तो मेरे एक प्लान था कुछ करने का, तो मैं उसके लिए थोड़े बचा लिए मैंने गोल्ड के और। अभी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ये, और जो हमारी रो गोल्ड है ना इसको माइन करने के मतलब इसको स्मेल्ट करने के बाद तो काफी 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 ज्यादा मजे आ जाएंगे। और अगली चेस्ट में होने वाला है अपना ये देखो क्वार्ट्ज ब्लॉक। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में क्वार्ट्ज ब्लॉक इतने इकट्ठा नहीं करे जितने मैंने इस वीडियो के लिए करे थे। मेरे मेरे ये देखो मेरे पूरे विलेज में तुमको कहीं पे भी क्वार्ट्ज लगा नहीं दिखेगा, सिर्फ मैंने डिस्पेंसर में और उन चीजों में यूज करे हैं सिर्फ। लेकिन आज मेरे पास इतने सारे क्वार्ट्ज ब्लॉक है ना कि मैं मस्त मस्त एकदम मॉडर्न हाउस बना सकता हूँ भाई, बिल्कुल मजे आ जाएंगे यार, तुम देखो मैं क्या करता हूँ, देखते जाओ बस तुम, टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरा व्हाइट व्हाइट घर बना देंगे ठीक है। तो अभी देखो ये वाली ये इसमें है हमारा आयरन, आयरन की सच्ची बताऊँ तो मेरे पास भाई कमी है ही नहीं आयरन की। सामने देखो मस्त सा वो है अपना ये, यहाँ पर खूब आयरन है भाई, आयरन की बिल्कुल कमी नहीं है भाई के पास, लेकिन फिर भी मैं आयरन लिया, चलो कोई बात नहीं। अगला आता है हमारा भाई कोल, कोल देखो कोल काफी ज्यादा डिसेंट मिला, और मैं सच्ची बताऊँ तो काफी ज्यादा खुश हूँ कोल से भाई, आयरन से खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि आयरन तो भाई मैंने चलो माइन कर लिया, चलो ठीक है आयरन माइन कर लिया, ओके ओके माइन करा है तो मेहनत हुई है तो ठीक है, लेकिन भाई कोल है ना कोल भाई, कोल सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है, डायमंड के बाद गोल्ड को भी हटा दूं तो भाई कोल आता है भाई, क्योंकि कोल आपको हर चीज में चाहिए यार, कल को ग्लास बनाने कोल चाहिए भाई, और बार बार माइन करने कौन जाएगा कोल, तो इसलिए मस्ती हमारी चीज हो गई है। और आई होप आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी भाई, हमारी मेहनत देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, हमने एक रिकॉर्ड सेट करा 20,000 रोर्स को माइन करने का, तो आई होप वीडियो तो एकदम मजेदार रही होगी आप लोगों के लिए, सिनेमैटिक मजे आ रहे हैं कि नहीं मजे आ रहे, बढ़िया सिनेमैटिक विनेमैटिक डाले मैंने बीच बीच में, देखने में काफी ज्यादा मजे आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको इस वीडियो के लिए, तो जरूर से करना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit.